प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर कांग्रेस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। बैज ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को 5 न्याय गारंटी दी है। कांग्रेस ने देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण देने का वायदा किया है। पार्टी में बगावत और कार्यकर्ताओं में नाराजगी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, किसी कार्यकर्ता में नाराजगी हो सकती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नया घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता को ये बताना चाहिए कि 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादों का क्या हुआ, ताकि कांग्रेस की सरकार बनेगी देश में तो निश्चित रूप से इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय का न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय, उनके यंत्र, किसानों संबंधित अन्य संसाधनों पर इतना ज्यादा वर्तमान सरकार ने जीएसटी लगा दिया है जिससे किसानों को डबल मार पड़ रही है, इसलिए जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। इस तरह से ये किसान न्याय और युवा न्याय में केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। पहली नौकरी पक्की, प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए साल में दिए जाएंगे और 8,500 रुपए प्रति माह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों में लगातार पेपर लीक का मामला और आ रहा है जिससे स्थानीय बेरोजगार हताश और निराश है, इसके लिए पेपर लीक से मुक्ति के लिए एक कानून बनाया जाएगा। और इस तरह युवा रोशनी 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष घोषणा पत्र समिति जो बनाया गया है उसमें लंबे तौर पर डिस्कस हुआ है और सरकार बनने पर हमारे पास देश में आय स्रोत की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसे गरीब जनता को जाने चाहिए देश की मोदी सरकार ने उन पैसों को रोक कर उनको डाइवर्ट कर चंद दो उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है जिससे कि वो पैसे गरीबों तक नहीं जा पा रही है। इसलिए गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इसलिए कांग्रेस का प्लान है कि देश में समान व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, समान अधिकार लागू होना चाहिए, ताकि गरीबों का पैसा, गरीबों का हक उनको मिलना चाहिए, ना कि चंद उद्योगपतियों को जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे गहन विचार विमर्श कर जो चंद उद्योगपतियों को पैसा जा रहा है उनको रोक कर उन पैसों को हम गरीबों को डाइवर्ट करेंगे ताकि उनका हक बराबर गरीबों को मिल सके। पार्टी महत्वपूर्ण है, उसके अलावा फेस वैल्यू भी महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने जो 11 कैंडिडेट दिए हैं निश्चित रूप से हमारा चेहरे जनता के बीच में जाने पहचाने और अच्छा चेहरे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के हम भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, केंद्र सरकार की नाकामी, इस 3 महीने की सरकार की नाकामी और हम आने वाले समय में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम कौन सी वादों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में, ये स्पष्ट और क्लियर है। और हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए हैं ये भी क्लियर है और
जनता के बीच में लोकप्रिय है, ये दोनों चीजें हमको इस लोकसभा चुनाव में फायदे करेगी। मेरा ट्वीट आप लोग देखे भी होंगे, आज 1 अप्रैल है यानी कि अप्रैल फुल दिवस। आज लोगों को मूर्ख बनाने की परंपरा है और आज से ही छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों के रजिस्ट्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे गरीब और मध्यम परिवार को निश्चित रूप से इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगी। और शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साई सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए अधिक वसूली कर रही है। मतलब सीधा सीधा है कि शराब के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम कर रही है। और शराब का विरोध करने वाले शराब की काली कमाई में लग गए हैं। रेत के दाम भी 3 गुना अधिक हो गए हैं, जिससे गरीब परिवार को घर बनाना मुश्किल हो गया है। और राइस मिलरों से 40 रुपए नजराना वसूला जा रहा है। मैंने कहा उफ ये अप्रैल फुल। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च को देना था और अभी तक चौथी किस्त इस सरकार ने नहीं दी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता से, किसानों से, कि आपकी चौथी किस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है तो क्यों आपको छत्तीसगढ़ के किसान आपको वोट देना चाहिए? इससे तो भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता से माफी मांगना चाहिए। नंबर एक, 15 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर को अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया। आपके राज्य में बस्तर से राजधानी तक नक्सली फैल चुके थे। आपके राज्य में झिरम घाटी जैसे घटनाएं हुई। आपके राज्य में फर्जी एनकाउंटर हुए। आपके राज्य में, आपकी सरकार में कई आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से अंदर किया गया। माता बहनों पर अत्याचार हुए। यही तो आपके राज्य में बस्तर देखने को मिला। और आज फिर कह रहे हैं बस्तर को आपने गड्ढे में धकेल दिए। हमारी 5 साल की सरकार में बस्तर को ऊपर उठाने का काम किए। इमली, महुआ, टोरा का रेट हम लोगों ने दिए। दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जिलों में गारमेंट फैक्ट्री खोले, वहां के युवाओं को रोजगार दिए, वहां की माता बहनों को स्वावलंबन हम लोग मजबूती से स्वावलंबन हम लोग मनाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पोस्ट करती है कि गड्ढे में ढकेल दिए। इसलिए मैं बस्तर की जनता से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया।